ओके अब कंटिन्यू करते हैं बाकी जो हमारे पास टैब्स हैं। अभी तक हमने कोड टैब को देख लिया, टेस्ट टैब को देख लिया और कॉन्फ़िगरेशन टैब में परमिशंस को देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं मॉनिटर टैब को। ये बेसिकली जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये आप अपने जो ये करंट लैम्डा फंक्शन है इसको मॉनिटर करने के लिए कि अच्छा अगर इसकी इन्वोकेशंस कितनी हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने एक दो दफ़ा इसको इन्वोक किया तो वो बता रहा है कि अगर मैं यहाँ पे फिर इन्वोक करूँगा तो यहाँ पे एक नया डॉट आ जाएगा। ड्यूरेशन कितनी लगी है, सारी जितनी भी मैट्रिसेस अवेलेबल है ना वो सारी यहाँ पे हैं। कुछ मैट्रिसेस होंगी वो बेसिकली कोई उनको पॉलिसी चाहिए होगी तो उसकी वजह से वो शो नहीं हो रहे होंगे। नेक्स्ट एलियसेस। एलियसेस को कंटिन्यू करने से पहले मैं वर्जन्स को पहले एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वर्जन बेसिकली ये बहुत ही कह लें कि इंटरेस्टिंग भी है और यूजफुल भी है। इस तरह से यूजफुल है कि आपने समझ लें कि ये कोड लिखा है और ये इसका वर्जन 1 है। ओके अब आपने ये वर्जन 2 API बनानी है और आप ये नहीं चाहते कि भाई मैं पैरामीटर के थ्रू इसको, मतलब मैं एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ जो कि चेक करेगा इफ वर्जन 1, देन एक यहाँ पे सेपरेट वर्जन 1 का फाइल होगी उसको कॉल करेगा, नहीं तो वर्जन 2 की फाइल को कॉल करे। ये काम नहीं करना चाह रहे तो वर्जन्स में आए और पब्लिश अ वर्जन। ये जो करंट स्टेट होगी ना, इस चीज को प्लीज याद रखिएगा कि जो चेंजेस हैं वो सारे डिप्लॉय होने चाहिए। ओके जो करंट लेटेस्ट सेफ्ड चेंजेस होंगी उन सबको पकड़ेगा और इसका एक वर्जन बना देगा। मैं यहाँ पे V1 कह देता हूँ, पब्लिश करता हूँ। यहाँ पे उसने एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या क्या करेगा। तो ये इसका एक नया वर्जन बना देगा और इसका बेसिकली एक न्यू URL बना देगा जो कि इस वर्जन को पॉइंट आउट कर रहा होगा। ठीक है और उसको हम एग्जीक्यूट कैसे कर सकते हैं वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। ऑब्वियसली यहाँ पे तो कर ही सकते हैं लेकिन हमारा एंड गोल ये है कि हम उसके API गेटवे के थ्रू कर सके। ये हमारा वर्जन 1 बन गया वापिस, और इसको क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आएंगे तो ये देखें ये आ गया, ये बेसिकली 2 दिखा रहा है। मैंने उसका नाम वर्जन 1 रखा है। ये बेसिकली ये दिखाएगा कि कितनी दफा ये वर्जन बनाए हैं हमने। मैंने क्योंकि एक टेस्ट वर्जन पहले भी बनाया तो इस वजह से ये 2 दिखा रहा है, दैट्स इट। और एलियसिस, एलियसिस बेसिकली ये करेगा कि आप के कोई भी एलियसिस बना ले वो वर्जन को पॉइंट करेगा। ठीक है मतलब कि आपने वर्जन 1 बना लिया लेकिन आप उसको वर्जन 1 नहीं कहना चाह रहे, आप उसका एलियस रख देते हैं, उसका जो भी आपने करना था कर लिया। आप इसको कह देते हैं गेट पेट्स, ये इसको आपने नाम दे दिया। ठीक है ये एक एलियस है तो दैट्स इट। और उसमें और ये जो वेट का पैरामीटर है ये जब हम कभी डिटेल में इसमें जाएंगे तब हम इसको स्टडी करेंगे कि वेट वेट पैरामीटर अभी सिर्फ थोड़ा सा ओवरव्यू देने के लिए वो ये है कि अगर कितनी इस पे कहने के हिट्स बज रही हैं, अगर हमें इस पे हिट्स बज रही हैं 1000 तो हम परसेंटेज डिफाइन कर देंगे कि इतना जो है बेसिकली वो हिट्स जो है इस पे जाए और बाकी हिट्स पे आए। लेकिन ये जब हम थोड़े से एडवांस लेवल पे चले जाएंगे फिर जाएंगे इस पे। एलियस अभी हमारे काम का नहीं है, वर्जन काम का है लेकिन ये भी जरा एडवांस लेवल पे ही है। अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक एक लैम्डा फंक्शन बनाया करेंगे, उसमें जो कोड लिखना है उसको लिख के और सिर्फ उसको हम एग्जीक्यूट कर लेंगे। जब हम वर्जन लेवल V2 API पे जाएंगे तब हमारे लिए वर्जन आएंगे और फिर ही हमें एलियसेस की जरूरत पड़ेगी। अभी के लिए मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा और डिलीट, वर्जन डिलीट हो गया। कॉन्फ़िगरेशन में वापस आते हैं। यहाँ पे जनरल कॉन्फ़िगरेशन में आप देख रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन ETC है। इसको अगर एडिट करें तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मेमोरी बता सकते हैं कितनी है और बाकी सारी चीजें जो बेसिकली पूछी जा रही हैं वो यहाँ पे इसको बताई जा सकती हैं। उसके बाद ट्रिगर्स, ये हमारा नेक्स्ट काम इस पे ही है। जैसे ही हम लैम्डा फंक्शन से फारिग हो जाएंगे नेक्स्ट हमने ट्रिगर्स ही देखने हैं जो कि बेसिकली हमारे API गेटवे होंगे। परमिशंस हम देख चुके हैं, डेस्टिनेशंस ये जब हम एडवांस लेवल पे चले जाएंगे फिर देखेंगे। फंक्शन URL बेसिकली हम इसका, अभी तक हमारे पास टेस्ट करने का क्या तरीका था कि हमने इसको बेसिकली यहाँ से टेस्ट करा दें। एक हमारे पास जरा थोड़ा आसान लेकिन इतना ज्यादा कस्टमाइजेबल तरीका नहीं है, वो ये है कि हम एक फंक्शन URL इसका क्रिएट करें। ओनली ऑथेंटिकेटेड ये कह रहा है कि नहीं हम इसको नन पे रखेंगे कि कोई भी इसको एक्सेस कर ले। ठीक है कुछ वो रिक्वेस्ट नहीं करेगा, बस ये पब्लिक बेसिकली काम चलेगा, कोई भी जिसके पास ये URL होगा वो इसको चला सकेगा। ओके और यहाँ से अभी के लिए आपको बेसिकली इसे करने की जरूरत नहीं है। मैं इसे सेव कर देता हूँ, ये इसका URL बन गया। और इस URL को अगर मैं ओपन करता हूँ ओके तो ये देखें हेलो फॉर लैम्डा। ओके और ऑब्वियसली मैं अगर इसको बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा भी पास कर सकते हैं इवन, तो
तो मैं पोस्टमैन यहाँ पे ओपन करता हूँ। पोस्टमैन जैसे ही ओपन हो जाता है, और मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये बेसिकली हेलो फॉर लैम्डा यहाँ से आ रहा है, और यहाँ पे क्योंकि ये HTML है तो सिर्फ और सिर्फ बॉडी को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, बाकियों को नहीं कर रहा। ये ऑटोमेटिक कह लें कि पार्सिंग हो रही है। मैं यहाँ पर बेसिकली इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर एक न्यू बना लेता हूँ फोल्डर जायोन्स यूट्यूब चैनल लर्निंग कोर्स, और इसमें बेसिकली मैं एक और फोल्डर बना लेता हूँ अगेन टेस्टिंग, क्योंकि ये हम सिर्फ टेस्टिंग कर रहे हैं, एक्चुअली APIs नहीं है। और इसमें एक API बना लेता हूँ जो कि है लैम्डा फंक्शन URL टेस्ट। ये किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इस URL को हिट किया और यहाँ पर मुझे रिस्पॉन्स आ गया। और अगर मैं यहाँ पर वापस जाके मॉनिटर के टैब में देखूंगा तो आप देख सकेंगे कि इसकी इन्वोकेशन जो है वो यहाँ पे ये शो हो रही है कि यहाँ पे एक दफा इसको इन्वोक किया और बाकी सारे स्टैक्स भी शो हो रहे हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे बाकी डाटा भी चाहिए तो आप यहाँ से ये बाकी डाटा भी पकड़ें और इसको इसमें पास कर दें। मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा अपडेट कर दूंगा, एक वो बना दूंगा, मैसेज कर दूंगा कि मैसेज ये, और बाकी जो डाटा है वो ऐसे पास कर दूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं नल, ये सब और सिर्फ वो इसके पैरामीटर्स हैं स्ट्रिंगिफाई के, और इसको डिप्लॉय कर दूंगा। और अब अगर मैं यहाँ पे आके ही अगर करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो बेसिकली रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट है। ओके, अदर पैराम्स सारी चीज़ें यहाँ पे हमें शो हो रही हैं, हेडर्स आ रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं, सारा कुछ। और अगर मैं यहाँ पे आके करता हूँ तो थोड़ा सा प्रीटिफाई हो जाएगा, लेकिन बात वही है। लेकिन अब हम नेक्स्ट जब इस पे जाएंगे तो इसको जरा डिटेल से देखेंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ हमने जो डाटा आया था उसको एज इट इज रिटर्न कर दिया और शो कर दिया। ओके, ये था फंक्शन URL। ओके, नेक्स्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। अब बेसिकली हम यहाँ पर और ज्यादा टाइम लगाने की बजाय इसमें से बाकी जो चीजें हैं ना, जैसे जैसे हमें उनकी जरूरत होगी तब तब यूज करेंगे। एनवायरमेंट वेरिएबल्स का मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ अभी, क्योंकि हम उस टैब को ओपन कर चुके हैं। वो ये है कि यहाँ पे हम वेरिएबल्स को डिफाइन कर सकते हैं, जो भी हमें वेरिएबल्स जो नॉर्मल रिएक्ट लारावेल नोड जेएस से कोई भी नॉर्मल एप्लीकेशन में एनवायरमेंट वेरिएबल्स का काम है, यहाँ पे भी उनका वही काम है कि आप यहाँ पे इसको सेट कर दें। ओके, जो भी आपने सेट करना है, मैं यहाँ पे T1 कह देता हूँ, सेव कर दें, और इस एनवायरमेंट वेरिएबल को आप कोड में यूज कर लें। अब जब आप एनवायरमेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे तो आपको कोड को रीडिप्लॉय करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली यहाँ से इसकी जो करंट वैल्यू होगी उसको देखेगा, दैट्स इट। बाकी जो इसके ऑप्शन है वो हम जैसे जैसे एडवांस लेवल पे जाएंगे और जब जरूरत होगी तब उनको देखते जाएंगे। नेक्स्ट, अब हम AWS API Gateway से स्टार्ट करेंगे, और ये जो हमने फंक्शन URL बनाया, जैसे कि मैंने कहा कि ये एक तो बेसिकली कंफिगरेबल नहीं है, इसका एज सच इतना फायदा नहीं है। हम इसमें कोई बेसिकली जो डाटा आ रहा है उस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगा सकते, कोई स्कीमा नहीं सेट कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ और सिर्फ जो डाटा आता है उसको एज इट इज कोड में पास करता है, और जो रिस्पॉन्स होता है उसका एग्जीक्यूशन जहाँ से जो हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं उसको वहां पे रिटर्न कर देता है, दैट्स इट। इसलिए ये इतना बेसिकली हमारे काम का नहीं है। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर दूंगा, और डिलीट लिख के ये अगेन सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, और डिलीट मैंने कर दिया। नेक्स्ट, अब हम API Gateway से स्टार्ट करेंगे, और अब हम अपना पहला यहाँ पे ट्रिगर लगाएंगे जो कि इस लैम्डा फंक्शन को इन्वोक करेगा और फिर हमें डाटा रिटर्न करेगा। API Gateway से स्टार्ट करने के लिए आप यहाँ पे सर्च बार में क्लिक करें और API लिख के सर्च करें, आपके पास फर्स्ट ही आ जाएगा API Gateway, उस पर क्लिक कर दें और आप उसके बेसिकली मेन पेज पे लैंड कर जाएंगे। मेरे लिए, मैं क्योंकि मैंने ये पहले एक API बनाई थी उस पर लैंड किया हूँ। आप जो बेसिकली लैंड करेंगे वो मेन इसके डैशबोर्ड पे लैंड करेंगे, जिसमें कि वो जनरल API के मुतालिक बता रहा होगा। मैं यहाँ पर इसे डिलीट करके आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पे आप लैंड करें। आप यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली लैंड करेंगे जहाँ पे कि ये बेसिकली आपको बता रहा होगा, क्योंकि आपने अब API क्रिएट करनी है, HTTP चाहिए, वेब सॉकेट चाहिए, REST API चाहिए, या REST API प्राइवेट चाहिए। हम जो स्टार्ट और मोस्ट प्रोबेबली काम कर रहे होंगे वो REST API चाहिए कर रहे होंगे, जो कि लैम्डा HTTP
और बाकी AWS सर्विसेज के साथ चल सकती है। हम इसके बिल्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से अब आप एक क्लोन API कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। बेसिकली जो मेरी पहली API बनी हुई थी हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। मैं यहाँ पे न्यू से स्टार्ट करूँगा, न्यू API, और इसको जो भी आपने नाम देना है वो दे रहे हैं। मैं यहाँ पर एक नाम चूज कर लूंगा, ओके API V1, और यहाँ पर बेसिकली उसी को रिपीट कर दूंगा। यहाँ पर जो एंड पॉइंट है इसको रीजनली रहने दें, इनको बाकियों पे आपने नहीं करना। क्रिएट API करें और ये आपकी API क्रिएट होगी। अब API में बेसिकली मेन पे अगर आते हैं तो ये वो पेज था जहां पे हम पहले लैंड किए थे। बाकी यहाँ से किसी API पे क्लिक करते हैं तो उस API की आगे डिटेल पे चले जाते हैं। रिसोर्सेज का मतलब है URLs। इस API में जो URLs है ये एक रिसोर्स है स्लैश, मतलब इस API का डिफॉल्ट URL है। स्टेजेस मतलब कि बेसिकली इस API की डिप्लॉयमेंट स्टेज है। जैसे इसको आसान अल्फाज में कि एक डेव API है, एक प्रोडक्शन API है और डिफरेंट काइंड ऑफ APIs है। हम जो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि बेसिकली उसका मकसद क्या है और क्या उसमें फर्क हम कर सकते हैं। ऑथराइजर्स बेसिकली API को ऑथराइज करने के लिए है। इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। गेटवे रिस्पॉन्सेज इनको बाद में देखेंगे। मॉडल्स को हम देख रहे होंगे थोड़ा सा, रिस्पॉन्स पॉलिसी को अभी नहीं देखेंगे जब हमारा थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा। डॉक्यूमेंटेशन ये हम यूज कर सकते हैं, डैशबोर्ड और API सेटिंग्स, ये हमारे पास बेसिकली यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं रिसोर्सेज से। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिसोर्स को आप आसान अल्फाज में ये समझ लें कि एक URL है, ओके एक URL। अब जो एक रेस्टफुल API होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ URL नहीं होता, उनमें दो से तीन चीजें होती हैं, ठीक है। मेनली दो होती हैं, एक URL होता है और एक उसका मेथड होता है, गेट पोस्ट पुट पैच ये। तो हमारे पास जैसे कि मैंने ये बताया कि ये आपका URL हो गया स्लैश, मतलब मेन API रूट URL हो गया। अब इसमें एक मेथड हमने क्रिएट करना है तो वो यहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट मेथड। और अगेन ये आपसे पूछ रहा है कि अच्छा भाई कौन सा मेथड। मैं अभी कह रहा हूँ कि आप एनी कह सकते हैं कि कोई भी मेथड से हो जाए, मैं अभी सिर्फ गेट कह रहा हूँ। और उसके बाद लैम्डा फंक्शन को इन्वोक करना है किसी HTTP एंड पॉइंट को, ये मैं अभी कह रहा हूँ कि मॉक करो, मतलब कि मैं खुद जो इसका रिस्पॉन्स होगा ना और उसको जनरेट करके तो उसको रिटर्न कर दूंगा। क्रिएट क्योंकि ये डमी है इस वजह से, लेकिन बाद में हम उसको कर रहे होंगे लैम्डा फंक्शंस को। जब हमने ये कर लिया, ये हमारा रिसोर्स है, ये हमारा इस रिसोर्स का मेथड है, मतलब स्लैश जो ये API का, मैं आपको URL इसका API का दिखा देता हूँ। उसके लिए मुझे पहले इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा, उसका URL आ जाएगा और उसके बाद बाकी काम चलेंगे। डिप्लॉयमेंट मैं आपको अभी दिखा दूंगा। यहाँ पर बेसिकली ये इसका रिसोर्स, ये इसका मेथड, और मेथड में आप देख सकते हैं कि गेट के मेथड में अब हमारे पास चार से पांच चीजें। क्लाइंट, उसने API हिट की, वो मेथड रिक्वेस्ट में से आई। मेथड रिक्वेस्ट पे हम डिफाइन करते हैं कि अच्छा इसके क्या नाम लेते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग कौन से हैं, हेडर हमें कौन से चाहिए और बॉडी डाटा कैसा चाहिए। जब वो हो जाता है पास, फिर हमारी इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे जाती है। उसमें बेसिकली हम इसको जो डाटा आ रहा होता है उसको अपनी मर्जी से फॉर्मेट कर सकते हैं, जो कि जो इस URL ने अपनी डेस्टिनेशन जिसको हिट करना होता है उसको हम यहाँ पे जो भी इसकी फॉर्मेट सेट कर देंगे ना। लेट्स सपोज कि हमें जब क्लाइंट ने API हिट की, उसने एक पैरामीटर सेंड किया। यहाँ पे अगर मैं बॉडी में आ जाता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। उसने एक पैरामीटर सेंड किया नेम और उसकी वैल्यू दे दी SN। ये क्लाइंट ने इस API को जब हिट किया उसने SN दिया। मैं जब इस पॉइंट पे आऊँ ना, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ, SN को पकड़ के मैं इसको कह दूंगा यूजर नेम इसको चेंज कर दो, मतलब मैं ये कर सकता हूँ। और जब इस फंक्शन को एट द एंड जब हम फंक्शन को इन्वोक किया करेंगे, उसको इंस्टेड ऑफ नेम मिलने के उसको यूजर नेम मिल रहा होगा। और इसी यही फायदा है, हम आ रहे डाटा को भी अपनी मर्जी से बेसिकली सेट मेट कर सकते हैं और जो वापस रिस्पॉन्स आना है उसको भी अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं। और यही फायदा है API गेटवे को यूज करने का। उसके अलावा वैलिडेशन, ऑथराइजेशन, वो सारा कुछ भी लगा सकते हैं। ओके, ये हो गया। अभी हम इसको कुछ भी सेट नहीं करेंगे, सिर्फ वैसे ही रहने देंगे, डिप्लॉय API करेंगे। डिप्लॉय करने के लिए हमें एक स्टेज चाहिए, स्टेज हमें बनानी पड़ेगी। मैं अभी डेव स्टेज बना रहा हूँ, ओके, और मैं कह देता हूँ ये डेव डेवलपमेंट स्टेज है। डिप्लॉय करता हूँ तो ये जो API थी वो डेव स्टेज में डिप्लॉय होगी और ये हमारे पास URL आ गया। इस URL को मैं यहाँ पर करता हूँ हिट और बेसिकली मैं टेस्टिंग में एक न्यू बना लेता हूँ, इसको किया और ये डेव सेंड किया
और यहाँ पर अभी यहाँ पे कुछ रिटर्न बेसिकली एपीएच सक्सेस हुई है, लेकिन क्योंकि मॉक कर रहा हूँ, मॉक का मतलब है कि मैं अपनी मर्जी का डाटा रिटर्न कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि अभी मैं कुछ इसमें रिटर्न कर ही नहीं रहा, इस वजह से कुछ रिटर्न आया भी नहीं। तो मैं इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में जाता हूँ और ये बेसिकली इसकी मैपिंग है, मैपिंग टेम्पलेट, इसको ऑन किया, मैपिंग टेम्पलेट को ऑन किया और यहाँ पर मैं कह देता हूँ कि जो रिटर्न करना है आपने वो करना है यूजर नेम एसन, यहाँ पर ये बना है, ओके सेव। ये मैंने उसका जो टेम्पलेट था उसको डिफाइन कर दिया। अब कुछ भी चेंजेस करने के बाद आप इसको इसको डिप्लॉय करना पड़ेगा। मैं अगर अभी इसको हिट करूंगा तो अगेन एम्प्टी रिस्पॉन्स आएगा। डिप्लॉय स्टेज सेलेक्ट करो, कुछ भी डिस्क्रिप्शन देनी है तो दे दो। डिप्लॉय किया, इसको 1-2 सेकेंड लगते हैं। अब सेंड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो डाटा है वो चेंज हो चुका है। और यहाँ पे एक चीज थोड़ी मजेदार है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे आके कंटेंट टाइप चेंज कर देता हूँ, टेक्स्ट में हिट करता हूँ, तो अब जो है वो यहाँ पे कुछ और रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा कि जो कंटेंट टाइप, बेसिकली मैं वापस रिसोर्सेज में आता हूँ और गेट में आता हूँ और इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में, यहाँ पे मैंने कहा कि इसकी जो मैपिंग है वो एप्लीकेशन जेसन पे करनी है। मतलब ये कंटेंट टाइप है जो इसको चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पे एप्लीकेशन जेसन सेट करूंगा, सेव सेंड। और ये आप देख सकते हैं कि तो ये जो चीज है ये यहाँ पर मैच कर रही है। और हमारी जो एपीएस होती है उसको हम ज्यादातर एप्लीकेशन जेसन में रखते हैं, अनटिल अनलेस के आपका यूज केस कुछ और, आपको मोबाइल ऐप, वेब ऐप, हर एक में, गेम वगैरह में एप्लीकेशन जेसन ही चलती है, कंटेंट टाइप और एक्सेप्ट टाइप। ये हमारा एक डमी टैक्स हो गया। मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं ये, हम जैसे जैसे एपीआई बना भी रहे होंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर होता जाएगा। अभी आसान अल्फाज में आसानी से याद रखने के लिए रिसोर्सेज क्या है, पाथ्स है। मतलब हर एक जो भी एपीआई का पाथ बनाना है आपने, स्लैश यूजर्स करना है तो वो एक रिसोर्स बनेगा, उसमें फिर एक आपको मेथड ऐड करना पड़ेगा गेट का, पोस्ट का, वो एक अलग फंक्शन पे पॉइंट कर रहा होगा, वो फंक्शन अपना काम करेगा, डेटा रिटर्न होगा, ठीक है। रिसोर्स हो गया, रिसोर्स को मेथड दे सकते हैं, दैट्स इट। और अनेबल कोर्स बेसिकली ये करना पड़ता है, ये एक वो ऐड कर देता है ऑप्शंस का मेथड ऐड कर देता है। मैं करके दिखा देता हूँ, अनेबल कोर्स ये करेंगे, इसको आप बेसिकली ये इन दोनों को चेक कर दें, यहाँ से आप मेथड्स चेक करें कि कौन सा मेथड है अलाउ करना है, यहाँ से बाकी सारा कुछ, ये ओरिजिन कहाँ से करना है, आप अपनी डोमेन कह सकते हैं, नहीं तो स्टार रहने दे के हर एक डोमेन से चले। ये कुछ हेडर्स हैं जो कि ये अलाउ कर रहा है, उसके अलावा एडिशनल सेटिंग में आप देख सकते हैं जो भी इसने अलाउ किया है। सेव करूंगा तो ये बेसिकली उसको करके हेडर्स ऐड कर देगा, और ये देखें कि इसने गेट के साथ ऑप्शंस को ऐड कर दिया, ओके। और ऑप्शंस में बेसिकली, क्योंकि ये मैकेनिज्म है, ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, मैं अगर यहाँ पर आता हूँ, बेसिकली मैं आता हूँ, लेट्स से ट्विजलिंग पे आता हूँ, .com, तो ये एक सिक्योरिटी मैकेनिज्म है जिसमें कि जब कोई एपीआई हिट होती है ना, तो उस एपीआई के हिट करने से पहले एक ऑप्शंस की एपीआई को हिट किया जाता है, पहले ऑप्शंस की एपीआई हिट की जाती है, अगर उसका 200 रिस्पॉन्स आ जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्राउजर सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उसके बाद फिर एक्चुअल एपीआई हिट की जाती है, दैट्स इट। तो ये अनेबल कोर्स का ये मतलब है, इसको मैं सिर्फ और सिर्फ जो होता है रिटर्न, आपको ना 200 का रिस्पॉन्स रिटर्न करना पड़ता है, ये 200 ट्रेटर स्कोर, और उससे आपका बेसिकली पास थ्रू हो जाता है कि एक्सेप्टेबल हो जाता है, और उसके बाद फिर एक्चुअल कॉल होती है। अगेन हम जब थ्रू आउट द कोर्स जब एक एक्चुअल एपीआई बना रहे होंगे, उसको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, तो हम बार बार इन चीजों को करेंगे, ये चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी प्लीज। तो अभी बहुत ज्यादा इसको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम एक बेसिकली यहाँ पे एक टेस्ट है, प्लीज ट्राई इसको करें। हमने एक रिसोर्स बनाना है, ओके। मैं चाहता हूँ कि आप एक रिसोर्स बनाए स्लैश यूजर्स के नाम का, स्लैश ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। आपने सब क्रिएट, आपने इस पे क्लिक करना है क्रिएट रिसोर्स पे, वहां पे नाम इधर से सिर्फ वही आ रहा होगा स्लैश, क्योंकि और कोई रिसोर्स है नहीं है। नेक्स्ट जो फील्ड है उसमें आपने यूजर्स कह देना है, कुछ डिस्क्रिप्शन कह रहे हो तो कह दें, और अभी के लिए उसको मॉक पे सेट कर दें, ठीक है, मॉक करनी है। और उसका सिर्फ और सिर्फ जब वो रिसोर्स क्रिएट हो जाए,
उसमें भी फिर आके एक मेथड गेट का ऐड करें, ओके, और गेट के मेथड में आके बाकी चीजों को वैसे ही रहने दें, इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स में आके बेसिकली इसको एडिट करके जो मैंने यहाँ पे काम किया आप भी उसमें यही काम करें, लेकिन एक अरे रिटर्न करें जिसमें कम से कम दो एलिमेंट रिटर्न करें, जिसमें कि आईडी हो वन और ईमेल या नेम यूज कर लें एहसन, और जो या नाम अपना यूज करना चाहिए, और एक दूसरा हो वहां पे भी एक यूजर नेम हो, सिर्फ ये डाटा रिटर्न करके उसको पोस्टमैन में हिट करके आपको वो डाटा यहाँ पे आना चाहिए। ये प्लीज इस टेस्ट को करें, वीडियो को पॉज करें और इस टेस्ट को कंप्लीट। होपफुली आपने इसे ट्राई किया होगा, अब हम इसे मिलकर कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि रिसोर्स क्रिएट करना है, रिसोर्स क्रिएट करते वक्त प्लीज आपके लिए ये चीजें बड़ी आसान रहेंगी, आपने जिस रिसोर्स के आगे रिसोर्स पाथ, रिसोर्स को पाथ समझ लें, जिस पाथ के आगे पाथ क्रिएट करना है उसको सिलेक्ट कर लें, मेन पाथ को क्रिएट रिसोर्स करें, वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं यूजर्स चाह रहा हूँ, अनेबल कोर्स अभी अनेबल कर दें क्योंकि बाद में भी करने पड़ेंगे, और क्रिएट कर दें ऑप्शंस की उसने क्रिएट कर दिया, दैट्स इट, बस। अब मुझे एक मेथड चाहिए गेट का, मैंने गेट किया और मैंने कहा था मॉक, अभी मॉक करते हैं बाद में लैम्डा पे जाएंगे, और मुझे गेट का मेथड चाहिए, क्रिएट कर दिया, मेथड आ गया, इंटीग्रेशन बाकी मैं अभी कुछ नहीं चेंज कर रहा, इंटीग्रेशन रिस्पॉन्स पे आया, एडिट किया है, और मैंने कहा कि मैपिंग टेम्पलेट में सिर्फ और सिर्फ अरे रिटर्न करनी है, अरे में हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए जिसमें कि हमें चाहिए आईडी, और आईडी मैंने वन कह दी और नेम कह दिया एहसन, ओके, और दैट्स इट, ओ सॉरी यहां पे नहीं था, सॉरी वो बेसिकली यहां पे मैं मिस कर गया, आईडी टू और नेम Zions, और डबल कोर्स में रैप करना जरूरी है, सेव किया, और अगेन डिप्लॉय करना जरूरी है, डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है, अगर आप डिप्लॉय करें बिना यहाँ पे ये जो URL है ना स्लैश इसको पॉइंट कर रहा है, ओके, स्लैश इसको पॉइंट कर रहा है, हमें यूजर्स पे जाना है तो हम स्लैश यूजर्स कह देंगे, ओके, सेव, हिट करूंगा तो नॉट फाउंड, भाई नहीं पता इसको, ओके, ये चीज इसके पास नहीं है, इस वजह से डिप्लॉय किया, स्टेज सेलेक्ट की, डिप्लॉय, वेट किया, यहाँ पे ये बेसिकली इसका तरीका है, एरर्स जो होते हैं यहाँ पे आते हैं, वार्निंग, सक्सेस, इन्फो लॉग्स और सिंपल लॉग्स, इनको सबको डिलीट कर देंगे, ये ऑटोमेटिक नहीं जाते, ओके, और डिप्लॉय हो चुकी है, सेंड करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाटा आ गया, ये कभी कभी एक दो सेकेंड ले लेता है अपडेट होने में, तो मसले वाली बात नहीं है, जरा वेट करें, दो मिनट वेट कर लें, फिर भी अगर ना हो तो फिर एक दफा डिप्लॉय कर लें, दो तीन दफा हिट करेंगे तो आ जाएगा रिस्पॉन्स, ओके। अब नेक्स्ट जॉब हमारा काम है, बेसिकली हमने काफी कुछ कर लिया, लेकिन अब नेक्स्ट मेरा काम, मैं ये चाहता हूँ कि इंस्टेड ऑफ ये मॉक करने के हम इसको जरा बेहतर करें जो कि होनी चाहिए, और इसके बजाय हम बेसिकली एक लैम्डा फंक्शन को हिट कर दें, ओके, लेकिन वो काम करने से पहले मैं ये करूंगा कि हमने, क्योंकि यहाँ पर इसको मैं डिलीट कर दूंगा, इसको भी, इसको डुप्लीकेट कर लूंगा, इसको भी डिलीट कर लूंगा, अभी के लिए यहाँ पे लैम्डा में आ जाऊंगा, और अब हम एक्चुअल काम स्टार्ट करने लगे, ये टेस्ट था, मेरे पास यहाँ पे लॉगिन का फंक्शन है, रजिस्टर का फंक्शन है, ओके। अब सबसे पहले आप एक टेस्ट आस्क है कि अपना एक लॉगिन का फंक्शन बनाए और उसको इस स्टेट तक ले आए, ओके, लॉगिन का मैंने फंक्शन बनाया है, ये एपीआई गेटवे लगा हुआ है, लेकिन ये एपीआई गेटवे अब बेसिकली क्योंकि मैंने ओल्ड एपीआई डिलीट कर दिया तो ये खराब हो चुका है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा ताकि ये ठीक हो जाए, इसी तरह रजिस्टर के फंक्शन में भी होगा, क्लोज करते हैं, ये डन हो गया है, ये बेहतर हो गया, वापस कोड में आते हैं, और अभी के लिए ये हो रहा है, तो प्लीज एक लॉगिन एलएफ लैम्डा फंक्शन, ओके, ये बनाएं और उसमें इस तरह कोड, मैंने सिर्फ अदर प्रॉम्प्ट्स को लिखा है और उनको रिटर्न करवा लो, ये फंक्शन बनाएं, फिर हम कंटिन्यू करेंगे, होपफुली आपने ये फंक्शन बना लिया होगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बेसिकली एक न्यू रिसोर्स बनाएंगे स्लैश लॉगिन, ओके, मुझे न्यू रिसोर्स चाहिए स्लैश लॉगिन का, आप उस रिसोर्स को बनाएं और उसमें मुझे एक मेथड चाहिए पोस्ट का, पोस्ट का मुझे मेथड चाहिए और जो पाथ है, जो रिसोर्स है वो स्लैश लॉगिन है, वीडियो को पॉज करें और इसको कंप्लीट करें, और प्लीज इस पे जब रिसोर्स बना रहे हो तो क्लोज को अनेबल कर दीजिएगा, उसकी वजह से इस पे एक और जो मेथड है वो ऐड हो जाएगा ऑप्शंस का, तो ये प्लीज दो काम कर दें। होपफुली आपने इसे कंप्लीट किया होगा, अब मैं इसे क्विकली कंप्लीट करूंगा,
जैसे मैंने कहा, जब भी एक नया रिसोर्स क्रिएट कर रहे हो, जिस रिसोर्स के आगे वो रिसोर्स ऐड करना हो उसको सिलेक्ट कर लें। नहीं भी अगर आप सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट करेंगे, तो ये बेसिकली जहां पे होगा ये उस रिसोर्स को बाई डिफॉल्ट सिलेक्ट कर लेगा। तो बेहतर यही है कि वो कर लें। लेकिन अगर आप उसको वहां पे आ भी जाते हैं तो यहाँ पे आपको बाकी सारे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। लेकिन मेक श्योर कि वही जो पेरेंट रिसोर्स है वो वही है कि जिसके आगे आप नया ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे लॉगिन आ जाएगा, क्रॉस एनेबल करने हैं मैंने, क्रिएट रिसोर्स करूंगा, रिसोर्स क्रिएट हो गया और यहाँ पे बेसिकली मुझे एक नया मेथड चाहिए पोस्ट का। और अब की बार ये लैम्डा फंक्शन को इन्वोक करेगा, मेथड मुझे पोस्ट का चाहिए और ये नहीं करना। ओके, ये बेसिकली सेंड अ रिक्वेस्ट टू योर लैम्डा फंक्शन एज स्ट्रक्चर इवेंट। ये बेसिकली इसको हम बाद में ट्राई करेंगे, अभी मैं इसके बिना आपको करके दिखाता हूँ कि इसके बिना क्या हम कर सकते हैं। ये हाँ से आप रीजन सेलेक्ट करेंगे क्योंकि लैम्डा फंक्शंस रीजन में होते हैं, ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। यहाँ से आप रीजन सेलेक्ट करेंगे, मेरा जो रीजन है यहाँ पे पहले ही रिस्पेक्टिव रीजन सेलेक्टेड है, जिस रीजन में आप होंगे उसको ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। यहाँ से लैम्डा फंक्शन चाहिए तो आप जब नाम अच्छा देंगे तो यहाँ से आपको फाइंड करना बहुत ही ज्यादा ईजी होगा। उसको कर लिया, सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे अब वर्जन यूज हो सकते हैं। ओके, मैं अगर यहाँ पे एक नया वर्जन क्रिएट कर लेता हूँ, मैं आपको करके दिखा देता हूँ, V1 पब्लिश। जब हम वर्जन क्रिएट करते हैं ना तो ये हमें एक इसका कह लेंगे इसका पाथ IARN, ये बेसिकली हमें AWS में आप बड़ी जगह पे देखेंगे ये आ रहा है, ये कह लेंगे इसकी यूनिक ID है इस रिसोर्स की। इसको अगर सिलेक्ट करके मैं करता हूँ ना तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने ये किया तो ये लैम्डा फंक्शन का यहाँ पे लॉगिन अगर अब मैं लिखूंगा ना, इसको ये करूंगा तो ये देखें आ रहा है। ओके, तो ये चीज है, अब ये इसके वर्जन 1 को कह रहा है ना कि मैं, अगर ये चीज मैं आपको करके भी दिखा दूंगा चले, लेकिन मैं बाद में इसको अपडेट कर दूंगा क्योंकि मैं मेन वर्जन को ही पॉइंट कर रहा हूँ। यहाँ पे आके मैं इस वर्जन 1 के कोड को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे बेसिकली लिख देता हूँ कि V1। यहाँ से आपने इसको एडिट करने के लिए बेसिकली आपको यहाँ पे बता भी रहा है कि आप ये वर्जन क्योंकि पब्लिश्ड हो चुका है तो आपने अगर इसको कोड को अपडेट करना है तो आप अपडेट कोड के क्लिक करें और यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आप इसको बेसिकली कर दें जो भी आपने करना है, V1 करें। यहाँ पे मैंने इस कोड को अपडेट करके डिप्लॉय कर दिया, मैं वापस वर्जन पे आऊंगा और एक न्यू वर्जन को डिप्लॉय कर लूंगा। वर्जन कह लें कि बेसिकली एक स्नैपशॉट ले लेता है उस कोड की उस पॉइंट पे। ओके, ये मैंने इसको अपडेट कर दिया, इसका एक न्यू आयरन बन गया। मैं इसको करके यहाँ पे इस एरन को बेसिकली और एंड पे सिर्फ उसका कॉलन लगा के उस वर्जन नंबर को कह रहा है, ये हो गया। और वापस आके बेसिकली मैं इसका कोड दोबारा अपडेट कर दूंगा, यहां से मैं इसको रिमूव कर दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा। मेन जो है वो ये है और जो बेसिकली एक्चुअली यहां पे वर्जन 2 जिसको कि बेसिकली जिसमें लिखा हुआ वर्जन 1 है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा, ये मुझे अभी के लिए नहीं चाहिए, बाद में डिलीट कर लेंगे। और अभी के लिए ये वर्जन 2 पे उस लैम्डा फंक्शन के पॉइंट आउट कर क्रिएट करते हैं। ये मैं ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल कुछ नहीं है। मेथड टाइप हमने सेलेक्ट की है, मैं कह रहा हूँ लैम्डा फंक्शन को हमने ट्रिगर करना है और वहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम मेन जो लैम्डा फंक्शन है इटसेल्फ, मतलब जो एडिटेबल है, उसको या तो हम हिट कर लें या फिर हम उसकी एक सेव्ड स्नैपशॉट को हिट कर लें जो के वर्जन्स कहलाती है। ये हमारे पास दो ऑप्शंस है। ओके, मैं अभी सिर्फ टेस्ट करवाने के लिए, आपको टेस्टिंग दिखाने के लिए यहाँ पे इसकी जो वर्जन V2 की स्नैपशॉट है उसको यहाँ पे हिट कर रहा हूँ, क्रिएट करते हैं। ये मेथड क्रिएट हो गया, बाकी अभी मैंने कुछ चेंज नहीं किया। ओके, सिर्फ और सिर्फ मैं इस API को डिप्लॉय करूंगा एज इट इज, डिप्लॉय कर दिया और ये मेरे पास URL आ गया। URL को कॉपी करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा और बेसिकली इसको चेंज कर दूंगा लॉगिन पोस्ट V2, क्योंकि वो एक्चुअली वर्जन 2 को पॉइंट कर लिया इस वजह से। यहाँ पे किया स्लैश लॉगिन किया, गेट के साथ अगर करूंगा तो एरर आ जाएगा क्योंकि ये गेट का वहां पे अवेलेबल नहीं है मेथड। पोस्ट के साथ अगर करूंगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ रहा है V1। ओके, और ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो बेसिकली ये URL जो है, ये URL ये अभी पॉइंट कर रहा है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये इस पर पॉइंट कर रहा है इसके वर्जन 2 पे। अगर मैं इसको बेसिकली एडिट करके API एक्शन और इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ से,
यहाँ से बेसिकली इसके एडिट का ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको डिलीट कर देंगे यहाँ से इसके जो उसका पाथ था, और दोबारा एक मेथड इसमें ऐड कर देंगे। अगेन यही सिलेक्ट करेंगे मेथड को, फिर पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, और अब की बार हम लॉगिन को सिलेक्ट करेंगे, मेन लॉगिन फंक्शन को, उसके कोई वर्जन को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्रिएट करेंगे और इसको डिप्लॉय कर देंगे फिर एपीआई को। डिप्लॉय डिप्लॉय हो गई, और अब जब मैं इसे हिट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि, और जैसे मैंने कहा कि 1-2 सेकंड ले सकती है अपडेट होने में, तो उसको सिर्फ वेट, और ये अपडेट हो गई है। यहाँ पे आप देख लें कि अब V1 गायब हो गया, क्योंकि आप ये मेन फंक्शन को हिट कर रहा है। ये हम थ्रू आउट द कोर्स बार बार इसको रिपीट करेंगे और ये हमें बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए हमें क्योंकि वर्जन चाहिए भी नहीं है, तो इसकी बहुत ज्यादा मीन के फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे अभी हम सिर्फ और सिर्फ मेन एक्चुअल कोड में जा रहे होंगे, क्योंकि वर्जन्स के कोड को आप अपडेट भी नहीं कर सकते, वो एक स्नैपशॉट है उस पॉइंट तक, आपने मेन पे ही अभी रहना। जो वर्जन्स की बात है वो आप बाद में करेंगे जब हम जरा एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाएंगे। ओके, अभी हमारा ये पोस्ट की एक एपीआई बन गई है और इसका ये वाला काम भी हमारा चल गया। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि बेसिकली हम जो डाटा है वो कैसे पास कर सकते हैं यहाँ पे लैम्डा फंक्शन तक। क्योंकि अगर अभी मैं यहाँ पर क्यूरी पैरामीटर्स ऐड करता हूँ, कुछ भी क्यूरी पैरामीटर्स ऐड करके सेंड करता हूँ, तो वो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे क्यूरी पैरामीटर्स फंक्शन में अवेलेबल हो, और आपके सामने ही है कि यहाँ पे जितना भी बेसिकली एटलीस्ट जो मुझे मिल रहा था डाटा, वो सारा ही मैंने रिटर्न कर दिया। तो अगर यहाँ पे नहीं शो हो रहा, मतलब मुझे मिल नहीं रहा, तो उसका एक तरीका कार ये है कि हम इसको डिलीट करें। उसके बाद हम फिर से मेथड ऐड करेंगे, वही पोस्ट का मेथड ऐड करेंगे, लैम्डा फंक्शन को हमने कॉल करना है, और इसको हमने नहीं करना लैम्डा प्रॉक्सी को, बेसिकली लॉगिन के फंक्शन को फिर सिलेक्ट करेंगे और ये डिफॉल्ट टाइम आउट को वैसे ही रहने देंगे। क्रिएट फंक्शन करेंगे, ये मेथड क्रिएट हो गया। अब बेसिकली जो मैं यहाँ पे काम करना चाह रहा हूँ ये है कि ये जो क्यूरी स्ट्रिंग है, या फिर अगर मैं बॉडी में कोई डाटा यहाँ पे सेंड करता हूँ, लेट्स से नेम एहसन, तो वो चीज मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे बेसिकली शो हो। ओके, और इसका जो एरर इस वजह से आया है कि जो वो एक्सेप्ट करता है एपीआई गेटवे, जो डाटा एक्सेप्ट करता है उसकी फॉर्मेट जेसन, और उसको चाहिए होता है नाम जो भी बेसिकली अपने डाटा सेंड करना है, और फिर वो ऑब्जेक्ट हो, और अगर स्ट्रिंग है तो फिर कैपिटल एस हो, और उसमें फिर स्ट्रिंग में डाटा हो, ये चीज ये एक्सेप्ट करता है। ये बेसिकली थोड़ा सा इसका फॉर्मेट है, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि जो एटलीस्ट जो ये वाला डाटा था वो यहाँ पर पास हो गया, लेकिन इसकी भी फॉर्मेट इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि फॉर्मेट ये नेम है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये जो भी मुझे कह रहा हो कि मैं मान लेता हूँ बात, लेकिन जो फंक्शन को डाटा मिले वो नेम में डायरेक्ट इसकी वैल्यू होनी चाहिए, ना कि ये इस तरह एस। ओके, ये मैं चाहता हूँ। तो इसके लिए जो हमारे पास तरीका कार है वो ये है कि मैं यहाँ पर इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँ, इसको एडिट करूँ, और यहाँ पर मैपिंग टेम्पलेट, इसमें एक टेम्पलेट ऐड कर दूँ। ओके, अगेन मैं इसको, हम पहले भी बता चुका हूँ, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, बॉडी में, क्यूरी में, हेडर्स में, दैट्स इट। यहाँ पे हम उसको फॉर्मेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हम बेसिकली कोई डाटा रिक्वायर कैसे कर सकते हैं। जब क्लाइंट को आपकी एपीआई को हिट करे और अगर आप उससे कोई डाटा रिक्वायर करना चाह रही हैं, उसका बेसिकली यहाँ पर आपको उसका पूरा ऑप्शन अवेलेबल है। एडिट करें, ऑथराइजेशन, और ये चीज हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए क्यूरी स्ट्रिंग से स्टार्ट करती है। मैं चाहता हूँ कि जब ये एपीआई हिट हो तो मुझे एक T1 के नाम का क्यूरी पैरामीटर रिक्वायर्ड है, और Q1 ये ऑप्शनल है, ये कोई पास करे ओके है, अदरवाइज नहीं। हेडर्स में आ जाते हैं, इसमें मैं कह देता हूँ कि H1 जो हेडर है वो रिक्वायर्ड है और H2 ऑप्शनल है, और अभी के लिए मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये दोनों चीजें यहाँ पर शो होने लग पड़ी हैं। अगेन हमने चेंज किया एपीआई में, हमें इसे डिप्लॉय करना पड़ेगा। डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय हो गया। ओके, यहाँ पे ये डिप्लॉय हो गई है। अब हम यहाँ पे आके टेस्ट करेंगे और देखेंगे, ये मैंने सेंड किया है और यहाँ पर बेसिकली कोई एरर नहीं आया और रिस्पॉन्स आ गया है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पर बेसिकली इनको ऐड कर देना जरूरी नहीं है, हमें इन्हें बताना भी पड़ेगा कि अच्छा इस चीज को वैलिडेट भी करना है। उसका क्या तरीका है? उसका तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर मेथड रिक्वेस्ट में आए, जहाँ पे बेसिकली हमने इनको ऐड किया है क्यूरी स्ट्रिंग्स और हेडर्स को, और इसे एडिट करें, और यहाँ पे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट वैलिडेटर जो कि अभी नन है, इस पे क्लिक करें, और यहाँ पे आप बॉडी को वैलिडेट कर सकते हैं, क्यूरी स्ट्रिंग और हेडर्स को कर सकते हैं, या फिर और बॉडी को, या फिर सिर्फ क्यूरी स्ट्रिंग और हेडर्स को। हम अभी के लिए तीनों को कर देते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम यही सिलेक्ट किया होगा, अनटिल अनलेस के कोई ऐसा केस हो जहाँ पे या तो आप सिर्फ बॉडी को करना चाहते हो या फिर क्यूरी स्ट्रिंग्स और हेडर्स को, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम यही होगा कि आप तीनों चीजों को वैलिडेट करके फिर ही आगे जाने। सेव करें, और अगेन ये करना काफी नहीं है, ऐसे करेंगे तो नहीं कुछ होगा, क्योंकि चेंज किया है तो डिप्लॉय करना जरूरी है। ये थोड़ा सा एक कहने के छोटी सी हेडेक है कि छोटे से चेंज के बाद भी डिप्लॉय करना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी भी है, अदरवाइज आपकी बेसिकली एपीए को कब अपडेट करना है उसका कोई स्पेसिफिक चेक नहीं होगा, तो ये आपकी सिर्फ और सिर्फ टाइम को बचाने के लिए। यहाँ पे वापस आते हैं, सेंड करते हैं, और अब आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली मैसेज चेंज हो गया है। क्या कह रहा है? मिसिंग रिक्वायर्ड रिक्वेस्ट पैरामीटर H1 और T1। बेसिकली ये सिर्फ इतने बता रहा है कि अच्छा ये रिक्वायर्ड है, लेकिन ये नहीं बता रहा कि ये क्यूरी स्ट्रिंग है और ये हेडर है, तो एटलीस्ट काम हमारा चल जाएगा, लेकिन कह लेंगे वो जो फुल सिक्योरिटी है ना, इससे एक लेवल अच्छा ये हो सकता था कि वो अलहदा अलहदा बता देता हमें कि क्यूरी स्ट्रिंग्स में हमें ये रिक्वायर्ड है और हेडर्स में ये रिक्वायर्ड है, लेकिन एटलीस्ट पहले से बेहतर है। यहाँ पे अब हेडर में H1, ओके सेंड, और आप देख सकते हैं कि पास थ्रू हो गया, लेकिन यहाँ पर ये डाटा रिसीव नहीं हुआ। डाटा रिसीव भी तो करना है ना, डाटा सेंड कर दिया लेकिन यहाँ पे रिसीव भी तो, उसके लिए वापस आते हैं पोस्ट पे, ओके, और यहाँ पर अब फॉर्मेट करना है जो ये वो डाटा है जो लैम्डा को रिसीव हो रहा है, ओके, इसको फॉर्मेट करने के लिए इंटीग्रेशन रिक्वेस्ट पे आएंगे, एडिट करेंगे और मैपिंग टेम्पलेट पे आ जाएंगे। यहाँ पर एक टेम्पलेट ऐड करेंगे ये मैप करने के लिए, अगेन हमारा हमेशा एप्लीकेशन जेसन में ही काम चल रहा होगा अनटिल अनलेस के कोई स्पेसिफिक केस हो, उसके बाद यहाँ से एक टेम्पलेट चूज करके सिर्फ और सिर्फ इसको क्रिएट कर लें, नहीं तो पास थ्रू कर लें। ये पास थ्रू आप करेंगे तो ये बेसिकली एक डिफॉल्ट टेम्पलेट है जो कि इन्होंने बनाया हुआ है हमारे लिए, और ये हमें बता देता है कि अच्छा मोस्ट ऑफ द टाइम इससे हमारा काम चल जाता है। पहले इसके साथ देख लेते हैं कि अच्छा इसके साथ हमें क्या चीजें नजर आती हैं, और उसके बाद फिर देख लेंगे कि अगर हमें उसको अपडेट करने की जरूरत है कि नहीं। ये मैंने क्या किया, जनरेट टेम्पलेट मेथड रिक्वेस्ट पास थ्रू, सेव, ये हो गया, डिप्लॉय करेंगे अगेन एपीआई को, डेव डिप्लॉय, वेट करेंगे 1-2 मिनट, 1-2 सेकेंड ही लगते हैं, नहीं तो 1-2 दफा कॉल करें तो हो जाता है, सेंड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास एटलीस्ट डाटा जो है वो आ गया कि यहाँ पे पैराम्स में क्यूरी स्ट्रिंग में टी पाथ, ये बेसिकली पाथ कोई वेरिएबल होंगे वो आ जाएंगे, हेडर्स सारे आ गए हैं, डाटा ऑलमोस्ट सारा आ गया और काफी ज्यादा आ गया। तो आप चाहें तो ऑब्वियसली इसको यूज कर सकते हैं, और एक हेल्पर फंक्शन बना के, उस हेल्पर फंक्शन का काम होगा कि बेसिकली इसको क्या नाम लेते हैं, फॉर्मेट कर ले। लेकिन मैं आपको दूसरा तरीका दिखा देता हूँ, लेकिन हम जो है अपना काम इसी के थ्रू कर रहे होंगे, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि हमें क्या नाम लेते हैं अपना जो यहाँ पे जो डिप्लॉइंग वाला काम होगा वो कम से कम करना पड़ेगा, क्योंकि वो हम डायरेक्ट एक फंक्शन लिख देंगे, उस फंक्शन का काम होगा कि वो ऑटोमेटिकली इसमें से डाटा पार्स करके हमें दे देगा, जो कि काफी ईजी भी होगा और हमारे लिए मैनेजेबल भी होगा। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.